हेलो स्टूडेंट्स आई एम आरती एंड आई हार्टली वेलकम यू ऑल टू माय चैनल आरती एजुकेशन वर्ल्ड डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल स्टडी योर टेंथ क्लास इंग्लिश वर्कशीट वर्कशीट नंबर सिक्सटी सेवन डेटेड नाइनटीन दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी स्टूडेंट्स जो आज की हम आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर सिक्सटी सेवन करने वाले हैं ये करेगी हमारी राइटिंग स्किल्स को जज क्योंकि क्योंकि इसमें आया है आपकी राइटिंग टास्क करने को इसमें दिया गया है हमें एक बार ग्राफ और ये बार ग्राफ क्या दिखा रहा है हमें चलो देख लेते हैं पहले बार ग्राफ को इसमें दिखाया गया है डाइवोस रेट इन फिनलैंड एंड स्वीडन फिनलैंड और स्वीडन दो यूरोप के कंट्री हैं उन दोनों की स्थिति को दर्शाया गया है इसमें कि जो डाइवोर्स रेट है जो तलाक का रेट है स्वीडन और फ्रांस में वो कितना रहा जो स्वीडन है वो आपका रिफ्लेक्ट होगा आपके रेड कलर से और फिनलैंड शो होगा आपके ब्लू कलर से तो देखिए आप अगर इसकी स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से दोनों में क्योंकि ये जो स्टडी है ये केवल कुछ सालों की है 2011 से लेके 2015 तक यानी कि पाँच साल की स्टडी में बताया गया है कि किस तरीके के कितना जो डाइवर्स रेट है वो कम या ज़्यादा हुआ कितनी फ्लक्चुएसन्स उसमें आई एज़ वी कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल इन 2011, 2011 में अगर हम देखते हैं तो जो आपका फिनलैंड है उसका जो डाइवोस रेट है तीस से चालीस के बीच में है तीस से चालीस परसेंट है ना चालीस परसेंट से थोड़ा सा कम और जबकि जो आपका स्वीडन है वो चालीस और पचास परसेंट के बीच में है दो टू थाउजेंड ट्वेल्व में अगर हम टू थाउजेंड इलेवन से कंपेयर करें तो जो जो फिनलैंड है उसका डायवर्स रेट कम हुआ है और जो आपका स्वीडन है इसका डायवर्स रेट बढ़ गया है टू थाउजेंड थर्टीन में आते हैं तो जो आपके ये दोनों ही कंट्री है ना सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आपके फिनलैंड की पहले दोनों सालों से चाहे 2011 हो या फिर 2012 पिछले दोनों सालों से फिनलैंड का जो आपका डाइवोस रेट है ये अप हो गया यहाँ पे और जो आपका स्वीडन है क्योंकि हमें ये स्टडी इसलिए करनी ज़रूरी है हमें इसको स्टडी करके ही वो जो आपके पैराग्राफ राइटिंग करनी है और आप जानते ही पैराग्राफ राइटिंग आपकी हंड्रेड टू हंड्रेड ट्वेंटी वर्ड्स में होती है सौ से एक सौ बीस शब्दों में तो चलिए देख लेते हैं और लास्ट तक आते आते जब हम इनका कंपेयर करते जाएंगे तो हमने पाया जो स्वीडन का डाइवोर्स रेट तो कम हो गया है जबकि फिनलैंड का डाइवोर्स रेट बढ़ गया है तो यही जो हमने अभी डिस्कस करा इसको वर्ड्स में लिख लेते हैं थोड़ा सा ठीक करके थोड़ा सा और मोल्ड करते हुए फॉर्मल लिखते हुए है ना देखिए ये देखिए पे इन्होंने क्या दिया गया है क्या करने को दिया है जो मैं आपको बता भी चुकी हूँ द बार गिवन ब्लो सोज द डाइवोर्स रेट इन टू यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम ईयर 2011 थाउजेंड इलेवन टू टू ये जो बार चार्ट है जो आपने देखा ये आपको दिखा रहा है डाइवोस रेट दो यूरोप के कंट्रीज का 2011 से लेके 2015 के बीच का अब आपको कंपेरिजन करना है और एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है इसी के ऊपर तो चलिए लिख लेते हैं जो काम हमें करना है करते हैं डाइवोस रेट इन फिनलैंड एंड स्वीडन है ना ये हमने हेडिंग दे दी जो इन्होंने ही लिख रखी है वही हमने इसमें दे दिया दिस बार चार्ट शोज दस रेट इन टू यूरोपियन कंट्रीज फ्राम टू थाउजेंड इलेवन टू टू थाउजेंड फिफ्टीन ये बार चार्ट शो कर रहा है डाइवोर्स रेट दो यूरोप के कंट्री में दो हजार ग्यारह से लेकर दो हजार पंद्रह के बीच का इस चार्ट के अकॉर्डिंग कितना सिंस टू थाउजेंड इलेवन स्वीडन में मेजर नंबर ऑफ डाइवोर्स थे अगर हम छोड़ दें किसको 2015 को वेन फिनलैंड ओवरटूक स्वीडन रीचिंग अ पीक ऑफ मोर देन 40 परसेंट जब फिनलैंड ने ओवर टूक करा स्वीडन को तो एक पीक पहुंची कितनी 40 परसेंट से ऊपर ओवर दिस फाइव ईयर पीरियड और इस पाँच साल के पीरियड में स्वीडन का जो डाइवोस रेट है इंक्रीज हो गया का अंटिल 2012 तक वैन पीकड एट ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट और जब पीक पेता लगभग पचास परसेंट दैट इट ग्रेजुअली डिक्लाइन टू लेस दैन फोर्टी परसेंट इन टू थाउजेंड फिफ्टीन फिर ये धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ कब हुआ फोर्टी परसेंट कब दो हजार पंद्रह में बोथ कंट्रीज डाइवर्स रेट सम फ्लक्चुएस दोनों ही जो कंट्री हैं उनका ऐसा तो नहीं है एक सही चलता आ रहा है या तो एक का ऊपर 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 ही जा रहा है और एक का नीचे 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 ही जा रहा है फ्लक्चुएट कर रहा है कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है तो बोध कंट्रीज हैव फ्लक्चुएशंस आल दो फिनलैंड इनिशियली हैडल ओवर रेट जबकि जो फिनलैंड है शुरुआत में इनिशियली शुरुआत में उसकी थोड़ी कम रेट थी कम दर थी स्वीडन का डाइवोस रेट अबाउट फोर्टी फाइव परसेंट था दो हज़ार ग्यारह में बीइंग हायर देन फिनलैंड रेट अप्रोक्सीमेटली आठ परसेंट और फिनलैंड से लगभग आठ परसेंट ऊपर था देन इट रोज टू फिफ्टी परसेंट इन टू थाउजेंड ट्वेल्व और जब दो हज़ार बारह आया तो ये कितना पहुँच गया ये पहुँच गया पहले फोर्टी फाइव परसेंट था अब ये फिफ्टी परसेंट पहुँच गया परसेंटेज ऑफ डाइवोर्स इन फिनलैंड वॉज लेस देन नाइन्टी परसेंट जो परसेंटेज थी डाइवोर्स की फिनलैंड में वो नब्बे परसेंट से कम थी इन टू थाउजेंड इलेवन में ये डिक्रीज हुई दो हज़ार में वैन अबाउट वन थर्ड ऑफ मैरिज इन फिनलैंड डिड विद द डाइवोर्स एज अपोज टू आलमोस्ट हाफ इन स्वीडन और ये क्या हुआ ये जो आपकी मैरिज थी है ना वन थर्ड मैरिज एक तिहाई जो शादियाँ थी फिनलैंड में वो किससे ख़त्म हुई वो डाइवोर्स से और जबकि इसका उल्टा स्वीडन में आधा हाउ आर द फिगर एक्सपीरियंस अ स्टडी ग्रोथ ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर इट रोज टू अप्रोक्सीमेटली थर्टी नाइन परसेंट इन टू थाउजेंड जबकि जो स्टडी ग्रोथ है नेक्स्ट ईयर में जो बढ़ी अप्रोक्सीमेटली कितना थर्टी नाइन परसेंट दो हज़ार तेरह में देन इंक्रीज थ्री परसेंट इन टू थाउजेंड फोर्टीन टू थाउजेंड फोर्टीन में तीन परसेंट बढ़ी एंड रिमेन फॉर द नेक्स्ट ईयर आउट रेसिंग द रेट ऑफ स्वीडन और अगले साल के लिए रिमेन रही कितना स्वीडन आउट रेसिंग द रेट ऑफ स्वीडन और जो स्वीडन की रेट के बारे में बात कर रहे हैं और किसकी फिनलैंड की बारे में बात कर रहे हैं तो ये था आपका एनालिटिकल पैराग्राफ इसे जो हमने बारग्राफ देखा इसके ऊपर हमने लिखा होपफुली बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल तो रहेगी ही साथ में बहुत बेनीफिल बेनिफिशल भी रहेगी और आप अच्छे से आप इसको पढ़ोगे उसके बाद आप मेरे भी क्या करोगे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब और बच्चों जो सब्सक्राइब करते हैं ना नए बच्चे आते हैं चैनल पर या जिन बच्चों ने अभी तक नहीं कराया नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाया करो सो so दैट आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्या है नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाते वो दबाना जरूरी है तभी तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा चलिए बच्चों थैंक यू